Hey guys, welcome. My name is Amit Surana. With less than four days left for CMAT, I hope you guys are super prepared for the test. Uh, a simple thing that you can do to ensure that you could uh, grab that easy mark is uh, dealing with a topic like calendars. You can go ahead with uh, the other two lectures that I've taken on the, the groundwork series. दिस विल ऑल्सो हेल्प यू विध सी मैट है न सी मैट में आपका हेल्प करेगा एंड बाकी जो मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट है आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें भी आपको हेल्प करेगा फॉर एक्साम्पल अगर आप सीई टी की प्रिपेरेशन कर रहे हैं या मैट की प्रिपेरेशन कर रहे हैं या आईपी मैट की भी प्रिपेरेशन कर रहे हैं तो दीज वीडियोज फॉर लॉजिकल रीजनिंग विल बी सुपर हेल्पफुल वेन इट कम्स टू एल आर सेक्शन स्पेसिफिकली ठीक है तो, uh, uh, तो शुरू करते हैं विद कैलेंडर्स लाइक आई सेन एक्सपेक्ट एटलीस्ट वन क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम कैलेंडर और दिस विल एंश्योर कि आपका वो जो इजी मार्क है वो आ जाए है ना तो टूडे वे गोइंग टू टॉक अबाउट सम स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स जिसके बिना कैलेंडर्स के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता नहीं किया जा सकता है एंड इसके अलावा हम देखेंगे थ्री क्वेश्चन टाइप्स ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर जो है उसके बीच का डिफरेंस क्या है ये सबको पता है हमने यू नो बचपन से ही हमें बचपन से ही पता है इसके बारे में वी बीन थॉट अबाउट इट बट देर आर अ फ्यू थिंग्सिंग नॉर्मली उससे हम उस पर्टिकुलर लॉजिक में हम मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि हमें आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन मिला है या, या फिर अगर सही से इंफॉर्मेशन मिला भी है तो हमने वीड इन बॉर्डर टू गेट इट वेरीफाइड है ना तो जल्दी से शुरू करते हैं लीप ईयर क्या होता है ऑर्डनरी ईयर क्या होता है एनी ईयर इज एन ऑर्डिनरी ईयर अनलेस एंड अंटिल इन दैट पर्टिकुलर ईयर एक एक्स्ट्रा दिन हो विच इज फेब ऑफ ट्वेंटी तो नॉर्मल ऑर्डिनरी ईयर में क्या है फेब फेब के मंथ में देर आर ओनली ट्वेंटी क्या है ट्वेंटी बट अर्थ को पता है क्या वो कि ईयर है यार एक एक्स्ट्रा दिन ले लेते हैं चक्कर काटने के लिए ऑब्वियसली नहीं है ना तो वी नो दैट थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव डेज इज राउंडेड ऑफ है ना इट्स नॉट एग्जैक्टली थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव डेज देर इज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा क्वार्टर डे पॉइंट टू फाइव डेज या वो एक्स्ट्रा सिक्स आवर्स जो है वो भी एकदम प्रिसाइस नहीं है बट देन यस क्लोज टू यू नो दैट एक्स्ट्रा आवर्स क्वार्टर ऑफ अ डे ऑफ आवर्स आवर्स इज है ना तो, तो उस चक्कर में वन फोर्थ वन फोर्थ वन फोर्थ चार वन फोर्थ मिला के जब एक दिन बन जाता है तो उस एक दिन को कैलेंडर में इंकलकेट करने के लिए ये लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था ठीक है सो विद दिस वी अंडरस्टैंड कि क्यों एवरी फोर्थ ईयर लीप ईयर होता है

पूरा नंबर फोर से डिवाइड करके चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है कोई जरूरत नहीं है क्यों फोर के लिए हमें सिर्फ लास्ट के दो डिजिट्स कंपेयर करने होते हैं है ना लास्ट के सिर्फ दो डिजिट्स जो हैं उन्हें कंपेयर करने होते हैं अगर ये लास्ट के दो डिजिट्स क्या है जीरो एट अगर ये फोर से डिविजिबल है तो पूरा नंबर फोर से डिविजिबल है या फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें लेट्स से नाइनटीन थर्टी इज इट डिविजिबल बाय फोर ऑफ कोर्स इट इज कैसे थर्टी अगर डिविजिबल है बाकी के ये दो तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है तो भी डिविजिबल राइट तो ये भी क्या है इसमें भी इंटीजर वैल्यू आएगा मतलब ये दोनों क्या है, है या? के हिसाब से नाइनटीन हंड्रेड भी फोर से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट दो जीरो है, वो भी फोर से है, तो होना ही चाहिए बट नाइनटीन हंड्रेड वॉज नॉट अ लीपियर क्यों नहीं क्योंकि एवरी फोर हंड्रेड हम सेंचुरी ईयर्स की बात करते हैं सेंचुरी का मतलब क्या है हंड्रेड है ना तो जब भी हम हंड्रेड इन हंड्रेड एटीन हंड्रेड सिक्स ऐसे जाते हैं जब भी लास्ट के दो डिजिट जीरो होते हैं years में तो ऑलवेज रिमेंबर हमें इसकी फोर से डिविजिबिलिटी नहीं बट फोर हंड्रेड से डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है राइट अगेन द लॉजिक बिहाइंड दिस इज द सेम जब आप फुल हंड्रेड इज एक साथ में लेते हो

उसमें जो वन फोर्थ वन फोर्थ बचा वो वन फोर्थ वन फोर्थ वन फोर्थ एंड फोर हंड्रेड ईयर का फोर हंड्रेड ईयर में वो फेफ ट्वेंटी लगा दिया था इसीलिए जब भी सेंचुरी इज होते हैं जब भी सेंचुरी ईयर्स होते हैं इसीलिए आप फोर से नहीं बल्कि फोर हंड्रेड से डिवाइड करते हैं और इन अदर वर्ड्स आप क्या चेक करेंगे सिंपल सा लॉजिक है तो आप क्या चेक करोगे दो, दो, दो जीरो कैंसिल दो जीरो कैंसिल तो आप टेक्निकली ये चेक कर रहे हो इट इज नॉट है ना ये आपको इंटीजर वैल्यू नहीं देगा अगर ये आपको इंटीजर वैल्यू नहीं दे रहा है ईयर ये ईयर नहीं है ठीक है ऑन द अदर हैंड लेट्स टेक से 1600 1600 क्या ये लीपीयर था ऑफ कोर्स टू जीरो गए फोर से डिविजिबल है 16 इज डिविजिबल बाय 4 वर्क्स ठीक है द ईयर 2000 द ईयर 2000 क्या ये लीपीयर था ऑफ कोर्स था क्यो? क्यों क्योंकि ये 400 से डिविजिबल है द ईयर 3000 क्या ये लीपीयर होगा अभी अभी तक के कैलकुलेशन के हिसाब से अभी तक जो हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं ऑब्वियसली एवरी टाइम

With four, yes. If it is a century year, then you check the divisibility by four hundred. ठीक है, cool guys. So with this हमारा leap year, ordinary year का concept sorted. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो type type of questions that you get in uh, uh, calendars is asking you to find out a particular day, है ना? या ये आपने notice किया होगा कि एक particular year में आपका birthday लेट से कोई Thursday को गिर रहा है, तो next year वही same day थर्सडे को आपका बर्थडे नहीं होता है है ना सेम डेट पे अगर आप चेक करोगे तो थर्सडे पे ना पे पे होगा, yes, या कभी-कभी होता है। है? है है, है? है, इसके पीछे का logic क्या ना? तो अभी let's say, आज ठीक uh, right? अगर मंडे अगर मंडे है तो कैन यू टेल मी ऑफ मे को क्या होगा 8th ऑफ मई को क्या होगा मंडे होगा क्यों बिकॉज़ एवरी 7 डेज अपना जो वीक का साइकिल है वीकली साइकिल एवरी 7 डेज रिफ्रेश होता है मंडे से चालू होता है आफ्टर संडे अगेन मंडे राइट सो एवरी 8th डे एवरी 8th डे इज गोइंग टू बी सो आफ्टर 7 डेज फर्स्ट के बाद प्लस 7 करोगे 8th 8th के बाद प्लस 7 15 15 के बाद प्लस 7 22 ये सारे क्या हैं अ कंप्लीशन ऑफ दैट वीकली साइकिल है, uh, uh, है ना

Plus two extra days, है ना दो वीक्स प्लस नहीं है कि सर मतलब एकदम सा दिन है 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 क्या क्या नहीं नहीं ऐसा नहीं है, logic. क्या है logic? Week को छोड़ के वीक्स में जो आप डिवाइड कर सकते हो गया बाकी के जो एक्स्ट्रा बचते हैं दिन उन्हें हम बुलाते हैं ऑड है ना एंड ये डिटर्माइन करेगा कि पैटर्न ऑफ द द कैलेंडर कैसे चला था राइट

This one one extra extra day day. day is is called an odd day. Yes, yeah, one extra day is the reason why फिर आपका ईयर होगा उसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं But let's say 2022 में, अगर आपका बर्थडे किसी ट्यूसडे को था तो टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में वो पर्टिकुलर डे दे, डेट कब होगा वेंसडे uh, को ठीक है one ex next day होगा. Yes?

फ्टर uh, फेफ uh, की बात कर रहे हैं ठीक है उसके पहले का नहीं होगा after Feb. So, let's say, uh, 5th, है तो लेट्स yeah. uh, अगर एक ट्यूजडे तो सेम फिफ्थ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर क्योंकि टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर का क्या लॉजिक है

तो यहां पे क्या है में में आपका कैलकुलेशन क्या होगा फेब के बाद का ठीक है आफ्टर फेब फेब 28 के बाद जब भी आप करोगे तब टू ऑट डेज नहीं तो फिर एक ही ऑट डे का लॉजिक होगा ठीक है डन नाउ विथ ऑट डेज कॉन्सेप्ट

अगर ऑड डेज होते हैं तो उसे आप संडे कंसिडर करते हैं क्योंकि संडे से जीरो जाते हो तो संडे रहता है ठीक है so तो uh, Sunday का हो गया फिर मंडे टू ऑट डे तो ट्यूजडे थ्री वेंसडे फोर थर्सडे फाइव फ्राइडे सिक्स सैटरडेवन ऑट डेज का कोई लॉजिक नहीं है सेवन ऑर्ड डेज का मतलब वन होल वीक मतलब दोबारा ऑट डे जीरो ऑट डे बिकम जीरो हफ्ता पूरा खत्म हो जाता है सात दिन में तो ऑड uh, डेज हो जाएगा जीरो तो जीरो ले लो या सेवन ले लो वॉटर जीरो और seven whatever, दोनों का क्या होगा संडे होगा ठीक है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट असम्पन आर मेकिंग असम्पन अपनी तरफ से नहीं है जिनने कैलकुलेटर बनाया था उनकी तरफ से कैलकुलेटर नहीं कैलेंडर बनाया था उनकी तरफ से ही अपनी तरफ से नहीं है ठीक है चलो सो दिस इज द वीक कोड ये है वीक कोड और दी ऑड डेज ठीक है ऑड डेज कॉन्सेप्ट का वीक कोड अब आगे बढ़ते हैं मंथ कोड की तरफ है ना मंथ कोड का क्या है कि जैन में कितने डेज हैं जैन में वी हैव थर्टी वन डेज है ना जैन में वी हैव थर्टी वन डेज तो थर्टी वन डेज अगेन कैसे स्प्लिट हो जाएंगे फोर तो वीक्स हो जाएंगे विच एड्स अप टू व्हाट ट्वेंटी एट डेज है ना ट्वेंटी एट डेज का चार हफ्ते तो हो गया बट तो जो एक्स्ट्रा तीन दिन बचते हैं एक्स्ट्रा थ्री डेज वो है थ्री ऑड डेज यस yes. ऐसे ही अगर आप ले लो तो से इफ यू टेक जून इनटू टू कंसिडरेशन जून में कितने हैं तीस दिन तीस में से ट्वेंटी एट डेज आर गॉन टू ऑट डेज बचते हैं जून में है ना अब फेब की बात करते हैं फेब में क्या होता है फेब में देर आर टू थिंग्स टू तो कीप इन माइंड वन अगर फेब में वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी ईयर तो ब्यूटिफुल मोस्ट ब्यूटिफुल

थर्टी वन डेज जहां कहीं पर भी है वहां पे थ्री ऑट डेज होगा ठीक है थर्टी वन डेज जो भी महीने में है थ्री ऑर्ड डेज होगा जुलाई अगस्त का मत भूलना कई बार आई नो दिस इज वेरी बेसिक सर ये तो स्कूल में देखा था हमने अभी क्यों पढ़ा रहे बट ये गलती मैं भी कर देता हूं कभी कभी ठीक है सो ऑलवेज कीप इन माइंड जुलाई अगस्त दोनों में तीन तीन दिन है ठीक है थर्टी वन डेज है ये वाला याद है आपको जनवरी फेबर मार्च नक्ल्स वाला जनवरी फेबर मार्च अप्रैल मे जून जुलाई अगस्त दोबारा ठीक है

नेक्स्ट चलते हैं ईयर की तरफ यस yes, में अगर हम नॉर्मली uh, जो होते हैं 100 so, आपको याद है मैंने बोला था हंड्रेड ईयर जो है वो ईयर नहीं है क्योंकि वो फोर हंड्रेड से डिविजिबल नहीं है तो कीपिंग दैट इन माइंड अगर आप हंड्रेड ईयर्स लेते हो ठीक है यहां पे कर रहा हूं कैलकुलेशन अगर आप हंड्रेड ईयर हंड्रेड ईयर नहीं सोवा साल नहीं पूरे सौ साल एक साथ में जीरो वन से लेके हंड्रेड तक पूरे सौ साल अगर आप लेते हो तो ये हंड्रेड जो है ये दो में स्प्लिट होते हैं इन हंड्रेड इयर्स में कुछ ऑर्डिनरी इयर्स होते हैं और कुछ लीप इयर्स इयर्स होते हैं है ना तो लीप कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरी फोर्थ ईयर इज सपोज टू बी लीप ईयर है ना हर फोर्थ ईयर जो है वो लीप ईयर होना चाहिए तो हंड्रेड बाई फोर इज ट्वेंटी बट ये जब हम हंड्रेड बाई फोर करते हैं तो हंड्रेड को भी उसमें गिनते हैं है है, है? नहीं है। है ना जो वो क्या भी उसमें काउंटेड बट हमें पता कि मतलब इन रियालिटी देर आर ट्वेंटी फोर लीपियवेंटी फोर पीरियड एक सेंचुरी में सौ साल के ग्रुप में

तो ये कितना बन जाता है ट्वेंटी फोर इंटू टू इज फोर्टी एट ऑट या अब टोटल अगर हम देखें कि पूरा सौ साल का मिला के हंड्रेड इस का मिला के कितना होता है आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो अभी मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ जब आप टेस्ट में करोगे तो आई टेल यू एंड ट्वेंटी फोर अगेन अगर आप सेवन से डिवाइड करने जाओ तो हंड्रेड एंड सेवन सेवन से डिजिबल है तो हंड्रेड एंड नाइनटीन का तो शॉर्टेड है weeks, इसका शॉर्टेड है तो बाकी के कितने बचे फाइव वॉट डेज बचे। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं 124 एंड के 124 डेज गिनने के बदले हम क्या कर रहे हैं हम बोल रहे हैं कि यार सत्रह वीक सत्रह हफ्ते तो उधर निकल गए है ना सत्रह हफ्ते रेपिटेशन पैटर्न 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 में निकल गए एक्स्ट्रा जो पांच दिन बचे वो ये ठीक है सो विद दिस वी नो के फर्स्ट हंड्रेड इयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं फाइव ऑड डेज ठीक है फाइव ऑड डेज ठीक है ओडी लिख रहा हूं ऊपर ऑड डेज लिखा है बट एनीवे फाइव ऑड डेज इन एवरी हंड्रेड इयर्स तो अगर हम फर्स्ट इयर्स लिए उसमें हमें मिले डेज तो अगर हम टू अगर फाइव ऑट डेज इज हाउ मेनी टेन डेज है ना, तो तो days, है ना? क्या है? एक हफ्ता निकल गया वन वीक इज डन एक्स्ट्रा कितना बचा टेन में से सात दिन गए थ्री ऑर्ड डेज ठीक है

थ्री हंड्रेड ठीक है कलर सिमिलर रखते हैं ताकि हम इसमें जो एक हल्का सा वियर्ड पैटर्न आएगा उसे ढूंढ सकते हैं ठीक है वन और डे और थ्री हंड्रेड ईयर्स अब जब हम फोर हंड्रेड ईयर्स में जाते हैं ठीक है सेम कैलकुलेशन करते हैं फोर हंड्रेड ईयर्स इज बेसिकली वॉट टू हंड्रेड इंटू टू या हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड जो भी जैसे भी हम करें टू हंड्रेड इंटू टू मतलब 3 2, 6 होता है. या 100 300, 400 जब हम करते दैट्स द कैलकुलेशन बट आपको क्या पता है अपार्ट फ्रॉम 6 सिक्स डेज फोर हंड्रेड ईयर जो है वो फोर हंड्रेड से डिविजिबल है मतलब फोर हंड्रेड इ

अगर 1800 इयर्स का पूछा जाए तो हमें क्या पता चल रहा है कि 1800 इयर्स में हम 1600 इयर्स को तो उपचे में डाल सकते हैं साइड में डाल सकते हैं ना क्यों क्योंकि 1600 क्या है 400 का मल्टीपल मतलब इसका ऑड डेज होगा जीरो जीरो ऑड डेज यस तो बाकी कितने बचे बाकी बचे 200 हंड्रेड 200 टू में कितने ऑड डेज है क्या हमें पता है ऑलरेडी पता है कितने ठीक है आ रहा है समझ में तो 1800 में भी कितने ऑड डेज होंगे सी ऑड डेज होंगे ये पैटर्न चलता आ रहा है इसीलिए आपने आपको शायद ये याद होगा कुछ स्पेसिफिक नोटबुक्स के पीछे एक साल का दो साल का नहीं हजार साल का पूरा कैलेंडर बन के आता था राइट दैट्स द पैटर्न बिहाइंड दिस ठीक है तो अगर अच्छा अब ये बताओ कि अगर uh, 1800 इयर्स में थ्री ऑड डेज है तो 1900 इयर्स में कितना होगा 1800 प्लस हंड्रेड 1800 में है थ्री 100 में है है? 5. का 5 8. 8 का मतलब क्या है? 7 को side किया 1 odd day. Okay? 2000 का कितना होगा? कुछ सोचने की जरूरत नहीं फोर हंड्रेड से डिविजिबल है मतलब दो हजार साल टोटल दो हजार सालों को अगर मिला ले हम तो नंबर ऑफ ऑड डेज का कैलकुलेशन क्या होगा शून्य जीरो अब मैंने ये स्पेसिफिकली ये तीन साल लिए

याद नहीं रखना है लॉजिक समझना है कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं होगा अगर उसमें हल्का सा भी ट्विस्ट आया तो आप लटक जाएंगे अटक जाएंगे अटक ऑफ ऑफ हैविंग दैट काइंड अ रिस्क इन योर माइंड क्या करो समझ लो ठीक है डन तो सेंचुरी कोड का हो गया अच्छा मैं आपको कुछ बोल रहा था यहाँ पे है ना कि यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं पूरा टोटल ऐड करके फिर उसे सेवन से डिवाइड करना जरूरी नहीं है अगर आप यहाँ पे देखो सेवेंटी सिक्स राइट अगर यहाँ पे देखो

तो आपको अलग अलग से टोटल पूरा एड करके सेवन से डिवाइड करके एक्स्ट्रा नहीं निकालना है इससे बेटर आप क्या कर सकते हो जब नंबर छोटे छोटे ही होते हैं तभी उन्हें रिजोल्व कर लो तभी उन्हें वीक्स में ग्रुप कर लो और डेज इन सिंगल डिजिट में निकाल लो डन चलिए नेक्स्ट सो दिस इज द समरी ऑफ व्हाट वी सॉ राइट नाउ दिस इज द वीक कोड दिस इज द मंथ कोड और ये है आपका सेंचुरी कोड रट्टा नहीं मारना है याद नहीं रखना है लॉजिक समझाया है उसे यूज करते हुए लेट्स ट्राई सिंपल क्वेश्चन ठीक है ऑल माय इंडियन हियर, भारत के uh, देशवासियों फटाफट से बताओ ये जीके का क्वेश्चन है फिफ्टींथ अगस्त 1947 क्या दिन था वो भी लोग कमेंट्स में इंडिपेंडेंस डे बोल रहे आई अंडरस्टैंड में यू बट विच डे ऑफ द वीक

अब 1947 की तरफ देखो और बताओ कि क्या ये 1947 ईयर खत्म हो गया? 1947 ईयर्स खत्म हो गए? नहीं हुआ, है ना? 1947 ईयर अभी भी चल रहा है, यस। yes? बाकी सब ठीक, बस चल रहा है, राइट? Right? तो so 1947 सेवेंथ ईयर अभी भी चल रहा है, क्योंकि अगस्त में ही है, यस। yes? जब तक 31 दिसंबर भी खत्म ना हो जाए तब तक वो साल खत्म नहीं होता सो so, कितने इयर्स कंप्लीटेड हैं ऑलवेज वी ऑलवेज लुक एट कंप्लीटेड ठीक है कंप्लीटेड इयर्स तो कितने इयर्स कंप्लीटेड हैं 1946 इयर्स कंप्लीटेड हैं यस इसमें आप क्या करोगे यू विल ऑलवेज कीप इन माइंड दैट To check if that particular year was a leap year or not, ठीक है? ये हमेशा चेक कर लिया करो कि कोई भी साल लीप ईयर है या नहीं है अगर नहीं है तो इट्स ओके okay, अगर है तो यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन डूइंग द कैलकुलेशन ठीक है 1946 को क्या करेंगे करें स्प्लिट 1900 को अलग कर लेते हैं बाकी कितना बचा 46 ठीक है 1900 को पहले शॉर्ट कर देते हैं 1900 का हमने पहले से देख लिया वन ऑड डे का कैलकुलेशन है इसका ये डन इसका वन ऑड डे है ठीक है अब 46 इयर्स जो है अगेन इन 46 इयर्स में भी लीप इयर्स होते हैं राइट फोर्थ ईयर 1904 लीप ईयर था 1908 लीप ईयर था 1912, 1916, 1920, 1924 तब से लेके 1944 तक लीप ईयर थे है ना तो आप यहां पे क्या करोगे यूल यूल डू समथिंग वेरी सिंपल व्हाट यूल डू इस 46 का 46 ऐड कर लो 46 का 46 ऐसे ही रहना दो तो, प्लस जो भी नंबर है आपका 46 उसे 4 से डिवाइड कर लो ठीक है ये क्यों कर रहे हैं ये

टू डेज इयर्स की तरफ से साल की तरफ से टू ऑट डेज है ठीक है अब चलते हैं अपने मंथ की तरफ मंथ क्या है ऑगस्ट क्या अगस्त चल रहा है कि खत्म हो गया अभी सिर्फ पंद्रह ही दिन हुए हैं मतलब खत्म नहीं हुआ है अभी भी चल रहा है, है ना तो कंप्लीटेड मंथ कौन सा है सॉरी कंप्लीटेड मंथ कौन सा है इसलिए मैं यहां पे नोट कर रहा हूं ठीक है लिख रहा हूं कंप्लीटेड मंथ्स कौन से कौन से कंप्लीटेड मंथ है जैन से लेके अगस्त के पहले मतलब जुलाई तक कंप्लीटेड है है ना जैन टू जुलाई पूरा कंप्लीटेड है तो जो हम ऑट डेज का कैलकुलेशन करेंगे वो भी जैन से लेके जुलाई तक का ही करेंगे जैन से चालू किया जुलाई में खत्म किया ठीक है फेब में जीरो लेंगे क्यों फोर्टी सिक्स इज ऑर्डिनरी ईयर अगर लीप ईयर होता तो जीरो के बदले हम क्या लेते वन लेते ठीक है तो अब यहां से एड करना चालू करो थ्री सिक्स एट इलेवन थर्टीन सिक्सटीन है ना क्विकली चेक वन टू थ्री फोर ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन ठीक है तो 16 odd days, again, 16 odd days का क्या मतलब है, है? का क्या मतलब है? 14 days को side किया कितने बचे दो दिन है ना सो टू ऑट डेज इन भाई साहब की तरफ से भी आ चुके हैं अपनी तरफ ठीक है तो इयर्स में से टू ऑट डेज मंथ्स में से कंप्लीटेड में से टू ऑट डेज कंप्लीटेड मंथ्स में से 2 और डेज अब क्या बचा ईयर हो गया मंथ हो गया अब कौन सा चीज बचा है डेट डेट में आपको यह ध्यान में रखना है कि जब वो दिन चालू होता है 15th डे जब चालू होता है तभी दिन बदल जाता है है ना uh, uh, 14th अगस्त अच्छा ये अभी 14th अगस्त का कंट्रोवर्सी मत क्रिएट करना ठीक है एग्जांपल है इसलिए मैं बोल रहा हूँ 14th अगस्त इलेवन फिफ्टी नाइन फिफ्टी नाइन सेकेंड पे इलेवन आवर्स फिफ्टी नाइन मिनट फिफ्टी नाइन सेकेंड्स तक कुछ और डे होता है फिर वो जब अगस्त बदल जाता है August, 12 के जब, या सुबह के बारह बजे जो भी आप बोलो ठीक है ट्वेल्व ए एम जीरो 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 पे क्या होता है दिन बदल जाता है, है ना? तो अब वेन वी गो फॉर द डेज ऑलवेज रिमेम्बर दिस डे इज टेक्निकली कंप्लीटेड है ना आप नहीं बोल सकते दोपहर को हुआ तो है ना ऐसा नहीं है

two odd days plus two odd days plus one odd day is five odd days and five odd days का क्या कोड है five odd days is what Friday so you can obviously check this with your calendar yeah ये ye तो कईयों को पता ही है obviously अपना देश है अपने को नहीं पता होगा किसको पता होगा right so this was what ठीक uh, है guys I hope uh, this particular method was useful आप इसे दोबारा देखो जिन्हें भी नहीं समझ में आया दोबारा देखो स्पीड बढ़ा के देख लो अगर आपको लगता है कि बहुत स्लो जा थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लो 1.2x 1.5x में तो सुपर फास्ट लगेगा आपको 1.2x में आप करके देख सकते हो दिस इज फुल प्रूफ मेथड ठीक है जहां पे आपको कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है एवरीथिंग इज कैलकुलेटिव ओनली स्लाइट प्रॉब्लम इज ज्यादा कैलकुलेशन है ना तो आपको आएगा एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा दो ठीक है बट एक क्वेश्चन आएगा उस एक क्वेश्चन के लिए आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा याद करने को बोलूं तो वो शायद थोड़ा सा हैवी लोड हो जाएगा बट अगर आपको कुछ समझने को बोलूं तो आई थिंक दैट दैट इज समथिंग यू कैन मैनेज है ना क्लियर है गाइस यस फिफ्टींथ अगस्त को मस्त फ्राइडे को अपन ने इंडिपेंडेंस लिया सैटरडे संडे फुल चील है ना नहीं सॉरी चलिए नाउ सीन

1600 से सिक्सटीन 1699 का कुछ भी लेता हूं कोई भी ईयर लेट्स से या जो भी राइट right? तो उसमें जो हम अलग से ऐड करेंगे जो, 1600 तो 1600 का, 1700s में जो भी होगा उसका फोर कोड है एटीन ये एक जीरो एक मिस हो गया ठीक है एटीन में जो भी ईयर होगा उसमें टू ऑर्ट डेज होंगे Luckily, 1900s में जो भी होगा नॉर्मली क्वेश्चन 1900s आई डोंट नो मतलब एक एक ट्रेंड सा है ऐसा कोई प्रडिक्शन नहीं है उस और 1900 है. तो उसमें में अगर हुआ तो सिक्स अगेन तो ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा ठीक है सिक्स फोर टू जीरो सिक्स फोर टू जीरो सो ये हो गया आपका सेंचुरी का अगेन दिस इज नॉट फॉर ईयर ये सेंचुरी का कोड ये आपको यू ठीक है नेक्स्ट ये है मंथ का एंड रिमेंबर ये मंथ का जो कोड है ये ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड मंथ का है ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड मंथ का है ठीक है जैन अगर कंप्लीट हो जाए Jan अगर कंप्लीट हो जाए तो या सॉरी करंट मंथ का नॉट कंप्लीटेड करंट मंथ का है दिस इज फॉर करंट मंथ ओके और ये जो हमने देखा ये वाला क्या था कंप्लीटेड मंथ का है ठीक है कंप्लीटेड मंथ का है कि जब वो मंथ कंप्लीट हो तभी आप उसे काउंट कर सकते हो नहीं तो नहीं ठीक है तो यहां पे क्या है दिस इज फॉर करंट मंथ एंड यहां पे आपको पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है जैसे हमने वहां पे अगस्त के लिए जैन से लेकर जुलाई तक किया था जरूरी नहीं है यहां पे सिर्फ उसी मंथ का कोड को उठा फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इसमें सेप्टेंबर का चाहिए तो सेप्टेंबर का कोड फाइव बस खत्म ठीक है कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है फाइव ऑर्डेज फिनिश्ड एंड ये तो सेम ही है वीक का तो सेम ही है ठीक है तो इस शॉर्टकट को रख के शैल वी सॉल्व दिस 26 सितंबर उस दिन भी कुछ बहुत ही बेहतरीन चीज हुई थी बोलूंगा नहीं आई लेट यू गाइस गेस दिस ठीक है गेस करो कमेंट्स में बताओ कि 26 सितंबर को ऐसा था क्या सो so, 26 सितंबर 2004 लेट्स क्विकली डू दिस पहले ईयर का करते हैं सो so, 2004 में से हम क्या करेंगे 2000 अलग 4 अलग ठीक है 2000 में odd days होंगे? में कितने डेज होंगे? ठीक है. फोर प्लस फोर बाई फोर क्यों फोर इयर्स में जो चार साल है उसमें एक आपका लीप भी है सो फोर प्लस वन कितना फाइव ये हो गया फाइव ऑड डेज सिक्स का 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 मतलब क्या 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 है? है है? है. है? ना. 7 plus 4, 7 तो हो गया 4. So अब 2004 का हमारे पास ठीक है? चलते हैं. है? ये रहा फाइव ऑर्ट डेज सॉर्टेड ओके दिस इज ऑल्सो डन और डेट क्या है ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स अगेन सेम लॉजिक है डे कंप्लीट हो चुका है जब भी कैलेंडर का वो चेंज करते हैं अपन वो डे खत्म हो गया ठीक है सो 26 मतलब क्या 21 तो हो गया खत्म बाकी कितने बचे पांच सो फाइव ऑड डेज फ्रॉम हियर आल्सो सो इन टोटल हमारे पास कितने ऑड डेज बने हैं इन टोटल वी हैव हाउ मेनी ऑड डेज फोर नाइन नाइन प्लस फाइव इज हाउ हाउ मच फोर्टीन सॉरी टेन प्लस फोर इज फोर्टीन ठीक है नाइन प्लस फाइव इज फोर्टीन तो फोर्टीन ऑट डेज अगेन फोर्टीन ऑट डेज का मतलब क्या है एग्जैक्टली टू वीक्स दैट इज ना जीरो ऑट डेन्स वॉट ठीक है दिस इज कुल डेज इसको फटाफट से कंफर्म करते हैं लेट्स क्विकली चेक दिस ऑन आर कैलेंडर लेट्स क्विकली टाइप ट्वेंटी सिक्स सेप्टेंबर टू थाउजेंड फोर वॉज अ संडे ठीक है आपको शायद दिख रहा नहीं है, कर लो. Sunday है. अपना कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट yes, ये अब अब ये दिस विल रिक्वायर यू टू रिमेंबर थिंग्स ठीक है मेमोरी से है ये सो इफ यू आर संबड़ी जिनकी मेमोरी काफी तेज है जिन्हें बचपन से बादाम पे बाद के ऊपर बादाम खिला गया था इफ योर मेमोरी इज स्ट्रॉग इनफ दे गो हैड विद दिस या तो नहीं सर मेरे को खुद के मेमोरी पे भरोसा नहीं है लाइक like मी मेरे को बिल्कुल भी नहीं है मेरे मेमोरी पे भरोसा तो मैं ऐसा रिस्क नहीं लेता आई गो विदाइम एक्स्ट्रा लगता है येस बट आई कैन बी रिलैक्सड अबाउट द एसी ठीक है तो ये कैलकुलेटिव है ये डायरेक्ट है बट रिमेंबर दैट यू विल है डन गईस

के फर्स्ट डे पहला दिन ऑफ पहला मंथ ऑफ पहला ईयर जो है वो क्या था संडे था है ना इससे हम चालू करते हैं बट अब की बार ऐसे क्वेश्चन में जहां पे रेफरेंस दिया होता है यू विल नॉट अस्यूम दिस क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि ये सही भी ना हो यस yes? इसीलिए ऐसे क्वेश्चन जो है समटाइम्स दे स्टार्ट विथ समथिंग हाइपोथेटिकल ठीक है इफ वॉट इफ इफ This particular day, right? यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, so it probably could be that accurate है, but हमें risk लेना ही नहीं है वैसा. X was born on March 6, 2014. The same year, Independence Day was celebrated on Friday. ठीक है? Independence Day celebrated on Friday. कौन सा साल है? 2014 है. Independence Day was celebrated on Friday. Generally मैं बोलूँगा कि आप पूछो कि कौन से देश में, कौन से देश का independence, but इतना हमें पॉलिटिकल नहीं बनना है ठीक है दिस इज फॉर इंडिया सो इंडिपेंडेंस डे वाज़ व्हाट 15 ऑगस्ट थोड़ा नीचे लिखते ठीक है सो आर कैलकुलेशन इज़ गोइंग बी परसेंट सो दैट पर्टिकुलर ईयर मतलब 15 ऑगस्ट 2014 को क्या था फ्राइडे था ओके okay. ये किसका पूछ रहे हैं ये पूछ रहे हैं मार्च uh, 2014 है ना, चलो, का क्या डे था वेरी सिंपल लॉजिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फाइंडिंग आउट द डिफरेंसिस टू थाउजेंड फोर्टीन से टू थाउजेंड फोर्टीन जीरो बीच में का डिफरेंस है जीरो बेस्ट चलो इसमें कुछ भी कैलकुलेट करने का नहीं है डन अब मार्च से लेके अगस्त करना है प्लीज रिमेंबर मार्च से लेके जब आप अगस्त कर रहे होगस्ट यू गो फ्रॉम मार्च टू अगस्त यू हैव टू रिमेंबर टू काउंट द ऑड डेज देयर ठीक है सो मार्च में कितने दिन होते हैं मार्च में देयर आर थ्री ऑड डेज राइट मार्च में देयर आर थ्री ऑड डेज क्योंकि मार्च में थर्टी वन डेज होते हैं तो थ्री प्लस मार्च के बाद क्या आता है मार्च अप्रैल जून जुलाई एंड देन अगस्त अगस्त खत्म हो गया नहीं हुआ तो यहाँ पे खत्म राइट तो मार्च टू अप्रैल अप्रैल टू जून जून टू जुलाई जुलाई टू अगस्त ठीक है अगस्त खत्म नहीं हुआ August चल रहा है क्या सॉरी <laughs> कुछ हो रहा है लेट्स क्विकली डू दिस अगेन ठीक है रिस्क नहीं लेते हैं मार्च अप्रैल, मे जून एंड देन जुलाई ठीक है अपन ने मे बीच में खा लिया था फॉर सम रीजन भूख लगी थी तो मार्च टू अप्रैल अप्रैल लिख ही लेते हैं छोड़ो यार इतना क्या मार्च टू अप्रैल ये है अप्रैल से लेके मे मे से लेके जून जून से जुलाई और ये जुलाई टू अगस्त, ये जो जुलाई टू अगस्त हम कर रहे हैं अगस्त तक हम लेके आ रहे हैं क्यों लेके आ रहे हैं क्योंकि सिक्स टू फिफ्टीन है ये वाला जो डे है इफ दिस इज लेस देन द एक्चुअल आज डे या रेफरेंस डे कम है तो इट्स ओके ठीक है क्योंकि सिक्स टू सिक्स अच्छा यहाँ पे हम इधर से इधर जा रहे हैं ओके वी आर गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर नॉट हियर टू देयर ओके प्लीज कीप दैट इन माइंड तो हाउ मच इज दिस फाइव एट टेन थर्टीन ऑट डेज

फ्राइडे से अगर हम वन ऑर्ड डे पीछे जाते हैं तो क्या आता है थर्सडे है ना फ्राइडे से एक दिन अगर हम पीछे गए हैं तो क्या आ जाएगा थर्सडे एंड दर आंसर क्लियर गाइस थर्सडे क्या है ऑप्शन सी दैट इज आंसर टू दिस क्वेश्चन में आप क्या करोगे विल गो फॉर द डिफरेंस डिफरेंस में जाओगे ठीक है रिमेंबर ये आपको करना है इसमें कोई शॉर्टकट आपको हेल्प नहीं करेगा ईयर में भी लकीली यहां पे 14 टू 14 था

अगला क्वेश्चन सीमेंट का एक सैंपल क्वेश्चन है लेट्स हैव अ लुक एट दिस ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स ऑफ जून 2002 डिड थर्सडे फॉल मतलब इन में से जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी इनमें ए वन टू थ्री फोर 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 डेज दिए हुए हैं इनमें से कौन से ऑप्शन के सारे चार दिन थर्सडे को गिरे थे ठीक है वन बिफोर यू मूव ऑन पहला चेक तब क्या कैसा करोगे कि कहीं कोई आंसर चॉइस ही गलत हो तो राइट right?

क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि जून 2002 को सॉरी uh, sorry, 2002 में थर्सडे कब कब था है ना तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं टू गेट दिस थिंग सॉर्टेड यू कैन ऑलवेज टेक एनी वन डे इनमें से फोर फाइव सिक्स या सेवन में से कोई एक डे ले लो लेट्स से हम फोर ले रहे हैं ठीक है सो वी गो विथ फोर जून टू ठीक है फोर जून टू शॉर्टकट यूज करें यहाँ पे राइट right? चलिए फटाफट से शॉर्टकट जाते हैं जून का कोड देखने के लिए तो ये रहा हमारा शॉर्टकट जून का कोड है फोर यस yes, जून का कोड है फोर फोर में फोर ऑड डेज दिस इज डन 2002 का क्या सीन है ओके okay, सो so 2000 का हमने देख लिया सिक्स जो टू इयर्स बचा तो हम क्या करेंगे उस टू इयर्स के लिए वी विल एड टू प्लस टू बाई फोर टू बाई फोर थाउजेंड वन टू थाउजेंड टू 0 नहीं थे तो क्या बचे टू ऑट डेज राइट तो इसका टू ऑट डेज सो टू ऑट डेज का क्या मतलब है

ऑर्डिनरी ईयर्स uh, होंगे होंगे जिसमें आपका एक एक ऑड डे होगा एंड जो टू बाई फोर है विच इज जीरो लीप ईयर्स है ना टू uh, two years में जीरो लीप ईयर्स आते हैं सो दैट इज जीरो ऑड डेज फॉर दिस टू प्लस जीरो इज टू तो टू सिक्स फोर एंड फोर इज सिक्सटीन ऑड डेज विच इज टू वीक्स एंड टू एक्स्ट्रा ऑड डेज मतलब ये वाली जो दिन था फोर्थ जो था वो था एक ट्यूजडे यस yes, अगर ये ट्यूजडे है तो वेंसडे एंड थर्सडे डन ठीक है सो दिस इज अ क्वेश्चन जहां पे काम वही था स्टैंडर्ड हमें यही ढूंढना था कि फोर्थ जून या जो वो समथिंग वट एवर जून पे क्या डे था वो डे निकालने के बाद हमने क्या किया वी फाउंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग डेज कुड बी थर्स डे कुल यस सो दिस इज अट सैंपल क्वेश्चन दिस इज वन ऑफ मिसलेनियस टाइप जहां पे ना तो रेफरेंस दिया है डायरेक्टली डे पूछा है बट इनडायरेक्टली वही काम करने को बोला है ठीक है तो आई होप दिस पर्टिकुलर हेल्पफुल। आई होप समल इन्फॉर्मेशन दट आईव गिवेन वुड बी यूजफुल फॉर यकमिंग सीमेंट और एनी अदर मैनेजमेंट एंट्रेंट टेस्ट यूर प्लानिंग ऑन गिविंग ऑल द वेरी बेस्ट गाइड्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज ड्रॉप दम इन द कॉमेंट्स अगर आपका कोई सजेशन है Uh, before going for CMAT or any other test if you want me to take any specific topic please uh, drop that in the comments and I will be more than happy to uh, help you with that okay guys all the very best I'll see you the next time cheers